एक गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पवन कल्याण की मूवी ब्रो का ट्रेलर देख के खत्म करा। और सच बताऊं यार, ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगा। ऑल्दो मुझे जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ बहुत ज्यादा नया और अलग नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर हमने OMG जैसी मूवी देख रखी है तो कुछ अलग तो नहीं दिख रहा था, लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा था। क्योंकि अगर मैं जितना मुझे समझ आया वो कुछ ऐसा है कि साइंस थियेटर एक ऐसा इंसान है जिसे टाइम नहीं है वाला इंसान है, और वहीं पवन कल्याण जो है वो एक भगवान है जो कि उनको मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, वो सारी चीजें तो हमें मूवी देखकर ही समझ आएगी। और वो क्या सीख देते हैं, मतलब ये लाइफ लर्निंग वाली शायद मूवी हो सकती है जिसमें हमें कुछ मॉरल मिले। लेकिन अल्टीमेटली टीजर जो ट्रेलर जो था वो इंटरेस्टिंग था, हंसी आ रही थी कुछ पॉइंट्स पे, सच में मुझे तो हंसी आई। और कुछ पॉइंट्स पे जो एंड का पार्ट था उसमें जो इंटेंसिटी थी वो हम फील कर पा रहे थे। डेफिनेटली जो पवन कल्याण का जो स्टारडम है, जो ऑरा है, वो देखकर आता है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो वो देखकर आता है, वो अपना कैरेक्टर लूज नहीं करते। जो कैरेक्टर, जिस तरह का कैरेक्टर वो प्ले करते हैं ना ऑलमोस्ट हर दूसरी मूवी में, जब फिर चाहे बाइक चलाने वाले सीन की बात करो, आप जितनी भी मूवीज देखोगे उनका बाइक चलाने का जो पोस्चर है बॉडी का वो सेम रहता है। इस मूवी में भी वही है, तो वो अपना कैरेक्टर लूज नहीं करते, जो प्ले करना चाहते हैं वो जैसा दिख के आना चाहते हैं, तो वो एक चीज अच्छी लगती है। वही अगर आप प्रॉपर एक्टिंग की बात करो तो वो कहीं ना कहीं मिस आउट लगती है मुझे। लेकिन ठीक है, वो अपना ऑरा को लेकर चलते हैं, वो अपने स्टारडम को लेकर चलते हैं, तो उस चीज के कारण ये चीजें कहीं ना कहीं ढक जाती हैं। जहां तक बात है BGM की, BGM थमन का था और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। देखते हैं कि थमन का म्यूजिक कैसा रहता है, क्योंकि कुछ मूवीज से मुझे उनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी जिनका म्यूजिक नहीं चला है साउथ में, और हिंदी बेल्ट में भी जो डब्लू हो के आई उनका भी हम क्लिक नहीं हुआ, तो इसी कारण से थमन का म्यूजिक देखने लायक होगा कि एग्जैक्टली कैसा रहता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मूवी कैसी होने वाली है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मूवी अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी की उम्मीद चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ये देखते हैं कि मूवी कैसी होती है एग्जैक्टली। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।